आप सबका स्वागत है इस फ्री एयर होस्टेस एंड कैबिन क्रू क्लास में। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमने नया सेशन स्टार्ट किया है, इसके पहले भी 3 सेशन हो चुके हैं। ये 4th सेशन है, काफी सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल चुका है। तो आप सब लोगों का भी स्वागत है कि आप लोग इस क्लास को अटेंड करें और जितना सीख सकें जरूर सीखें। जैसे कि ये आज की पहली क्लास है, तो आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देंगे आपको, आपके जो सवाल होंगे उनों का जवाब देंगे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑन रखें, अपने आप को विजिबल रखें। थोड़ी देर में जिन लोगों का कैमरा ऑफ होगा उन्हों को हम क्लासरूम से निकालना शुरू कर देंगे, सिस्टम अपने आप आपको रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अपना कैमरा ऑन रखिए और जूम में ऑप्शन होती है कि आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जब आप अपना हैंड रेज करते हैं तो हम उसको देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जिन जिन को भी कोई सवाल पूछना है वो अपना हैंड रेज कर ले, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप अपना सवाल पूछ पाएंगे। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है, 3 महीने तक हम आपको इसकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस देंगे जो कि हर वेनसडे को 8:30 PM पे होगी। पहले इसका टाइम 8 PM रखा गया था पर हम हमने इसको चेंज करके 8:30 PM कर दिया है क्योंकि हमारी बाकी क्लासेस 8:20 तक खत्म हो पाती हैं। इस कोर्स पे कुछ क्लासेस के बाद हम आप लोगों को एक वर्चुअल क्लासरूम के अंदर ऐड करेंगे और वहां पर से आपको नोट्स भी मिलेंगे। मेजरली आप इस कोर्स के अंदर सीख पाएंगे कि एक एयर होस्टेस का, कैबिन क्रू का क्या काम होता है, क्या क्या उन्हें करना होता है और एयर होस्टेस और कैबिन क्रू के इंटरव्यूज कहां कहां चल रहे हैं और कैसे आप कैबिन क्रू या एयर होस्टेस बन सकते हैं। जो लोग भी कैबिन क्रू या एयर होस्टेस की तैयारी करते हैं वो लोग ट्रैवल कंपनीज में और इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी नौकरी कर सकते हैं। So now I am going to start taking your questions. So anyone who has questions can raise their hand and I'll be taking your questions and I'll answer you. जिनों का भी कैमरा ऑफ है अपना कैमरा ऑन कर लें, अदरवाइज सिस्टम आपको अपने आप रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले आई कैन सी मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और मैं जानना चाहता हूँ सर, क्या दोबारा से फ्री कोर्स स्टार्ट हो गया है? ये फ्री कोर्स की ही क्लास है, ठीक है सर। यही कोर्स हम पेड कोर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सवाल पूछा इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये फ्री क्लास है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, पूरा का पूरा कोर्स ऐसे ही चलेगा, ठीक है। आपको कभी कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, ना ही एग्जाम के लिए, ना ही किसी इंटरव्यू के लिए, ना ही किसी और सपोर्ट के लिए। ये 100% फ्री रहेगा हमेशा। इसके अलावा पेड भी अवेलेबल है, तो पेड का क्या फायदा है? जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर करीब 50 के करीब स्टूडेंट है, आज पहली क्लास है। आगे आप देखेंगे तो इसके अंदर 100 स्टूडेंट हमेशा हुआ करेंगे, तो 100 स्टूडेंट्स के अंदर हर एक किसी को हम इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, नॉर्मल चीजों का ही जवाब हम दे पाते हैं। जो पेड कोर्स है उसकी फीस 10,000 रुपीज है, उसके अंदर सिर्फ 8 से 10 स्टूडेंट होते हैं और वो अपने हर सवाल का जवाब आराम से पूछ सकते हैं। उसके अंदर ट्रेनिंग भी ज्यादा एनहेंस होती है, ठीक है। बट जो लोग फ्री करना चाहते हैं वो इसे सिंसियरली करते रहें, आपको इसका काफी ज्यादा फायदा होगा, इसका कोई नुकसान कभी नहीं होगा, ठीक है। और कोई अपना सवाल पूछना चाहता है? नक्षत्रा, नक्षत्रा आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। यस सर, सर एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? ठीक है,
बिल्कुल ठीक सवाल है आपका नक्षत्रा, जो इसका एग्जाम होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा। जब आप ऑनलाइन फ्री कोर्स कर रहे हैं तो इसका एग्जाम भी ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। जो बच्चे सिंसियरली रूल्स फॉलो करते रहेंगे उन्हों को ही सिर्फ एग्जाम का लिंक मिलेगा, बाकी लोगों को एग्जाम का लिंक नहीं मिलेगा। तो आप कोर्स को अच्छे से करते रहिए, सीखते रहिए, आपको एग्जाम का लिंक मिलेगा, आप पास होंगे। आप पास हो या ना हो, आप सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। पिछले बैच में से कई बच्चों को इंडिया के बाहर की जॉब्स की कंफर्मेशंस भी मिली हैं, एयरलाइंस के अंदर भी बच्चे जॉब कर रहे हैं। तो आप लोग कोर्स करते रहिए, फायदा काफी है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ रोजी का। हाँ जी रोजी, पूछिए क्या सवाल है। यस सर, गुड इवनिंग सर, मुझे पूछना था कि ये कोर्स के बाद मतलब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, इंटरव्यू, एग्जाम, ऐसे स्ट्रक्चर। वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन यू। बड़ा अच्छा सवाल है, मैं आपके सवाल का आपको जवाब दे देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि ये फ्री कोर्स है, फ्री कोर्स की क्लास हफ्ते में सिर्फ एक ही क्लास होती है और सिर्फ हाफ एन आवर की क्लास होती है, ठीक है। यही जो पेड कोर्स होता है उसकी हफ्ते में तीन क्लासेस होती हैं और वो वन आवर की क्लास होती है, ठीक है। पर प्रोसेस फिर भी सेम है, हफ्ते में सिर्फ एक क्लास है, ये क्लासेस आप लेते रहेंगे, ठीक है। हर वेनसडे को ये क्लास 8:30 बजे है। जब आपकी क्लासेस खत्म होने वाली होंगी हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे और उस नोट्स के बेसिस पर हम आपका एग्जाम लेंगे। जो बच्चे भी एग्जाम के अंदर पास होंगे उन्हों को एयरलाइन इंटरव्यूज के लिए हम भेजेंगे, ठीक है, और आपकी जॉब हम लगवा कर देंगे। तो ये इसका प्रोसेस है। 3 महीने तक हम आपको ग्रूम करेंगे, हम आपको प्रिपेयर करेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, आपको ऐसी चीजें सिखाएंगे कि आप जब एयर होस्टेस या कैबिन क्रू या एयरपोर्ट की जॉब के लिए या एयरलाइन की जॉब के लिए जब आप जाएं तो आप आराम से उस जॉब को विन कर सकें, उस इंटरव्यू को पास कर सकें और आपकी जॉब लग जाए आराम से, ठीक है। जो लोग पास होंगे, जो पास नहीं भी होंगे उनको भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और उनको भी जॉब के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। पर हाँ, जितने अच्छे आप मार्क्स लेकर आएंगे उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं आपकी अच्छी जॉब लगने के। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मैं निहारिका का सवाल ले रहा हूँ। हाँ जी निहारिका बोलिए। हाँ जी सर, मैंने सर पहले आपका पहले भी क्लास ज्वाइन करी थी तो मैंने पहले भी पेपर दिया था। कितने मार्क्स आए थे आपके निहारिका? सर 98 थे। वेरी गुड, तो आपको इसका सर्टिफिकेट जरूर मिल चुका होगा। और जितने भी बच्चों ने पहले अपना कोर्स किया है उन सबके पास एक लिंक आएगा। कई बच्चे हैं जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है, उनके पास 3 दिन के अंदर एक लिंक आ जाएगा, उस पर जाकर आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे कि आपने ये कोर्स किया था और उस पर आपको अपना आधार कार्ड वगैरह अपलोड करना होगा और आपके पास लिंक आ जाएगा, वहां से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं सवाल ले रहा हूं पूजा कुमारी का। हाँ जी पूजा पूछिए बेटा, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी सर, मेरा ना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का डाउट था। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और भी बच्चों के पास ये सवाल होगा तो मैं इसका भी आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, रजिस्ट्रेशन आपको अभी करना स्टार्ट करवाएंगे, अभी इसकी और एक क्लास होगी उसके बाद हम आपका इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। अभी आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसका लिंक चलना बंद हो गया, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लिंक जो पहले वाला था वो चलना बंद हो गया है क्योंकि इसका लिंक चेंज हो गया है, ठीक है। अगर आप thetourismschool.com पर जाते हैं, टूरिज्म स्कूल की जो ऑफिशियल साइट है अगर आप उस पर जाते हैं तो वहां पर मेन पेज पे ही ऊपर कैबिन क्रू का टैब बना हुआ है, उस टैब पर आप जाइए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, अभी आप लोगों ने 3 क्लासेस लेनी है, एक और क्लास लेनी है, 2 क्लासेस आपने लेनी है। आज पहली क्लास है, इसके बाद अगली क्लास भी आप लेंगे,
अगली क्लास लेने के बाद जो बच्चे हमारे रूल्स फॉलो कर रहे होंगे उनको लिंक दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का। जब आपको रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब आप फ्री कोर्स कर रहे हैं देन ऑब्वियसली आपका रजिस्ट्रेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको और बेनिफिट मिलने भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब मैं सवाल ले रहा हूं आर्यन का। हाँ जी आर्यन पूछिए। हेलो सर, सर मेरा ये सवाल है कि सर मैंने भी पहले ज्वाइन किया हुआ था, मैंने भी पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह सब किया हुआ था, तो जो सिलेबस और जो रजिस्ट्रेशन है वो सेम ही रहेगा क्या? नहीं, इस बार भी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सिलेबस के अंदर भी काफी ज्यादा एडिशन हो चुके हैं। ठीक है, तो सिलेबस जो नया अपडेटेड सिलेबस है वो आपको मिलेगा और रजिस्ट्रेशन भी दोबारा करना पड़ेगा। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पर वो आपके पुराने सेशंस के लिए था, अब आप नए सेशन में हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो लोग भी इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, पुराने वाले रजिस्ट्रेशन की कोई वैल्यू नहीं है, दोबारा आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और दोबारा आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं सवाल ले रहा हूँ रूही का। हाँ जी रूही पूछिए बेटा। मैं बोल रही थी कि जिन लोग का एज 27 है वो लोग क्या केबिन क्रू में जा सकते हैं? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका रूही, मैं इसका जवाब भी आपको दे देता हूँ। आपकी एज 33 तक है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे अच्छे से सब कुछ करोगे तो आपकी जॉब भी जरूर लग सकती है। ठीक है, बट ऑब्वियसली 27 साल के बाद 26 साल के बाद चांसेस थोड़े थोड़े कम होते रहते हैं। ठीक है, हमारी लुक्स बड़ी मैटर करती हैं कैबिन क्रू में, एयर होस्टेस में, हमारी लुक्स काफी ज्यादा मैटर करती हैं। तो कई लोग ऐसे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो जिनकी एज 30 से अबव है पर वो अपनी फिजिक्स, अपने फिजिकल अपीरियंस को ऐसा रखते हैं, अपनी बॉडी को वेट नहीं पुट ऑन होने देते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, तो ये लोग 30 इयर्स की एज के बाद भी आराम से जॉब ले पाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है जॉब, हाँ चांसेस आपके कम हो जाते हैं। अगर एज बढ़ रही है तो अपने आप को फिट रखें, अपनी नॉलेज को एनहांस करें। आप खुद सोचिए कि आप एक एयरलाइन के मैनेजर हैं और आप इंटरव्यू ले रहे हैं। जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं आपके पास 22 साल का एक लड़का आता है और एक मैं आता हूं, ठीक है 35 साल का, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे जॉब दे दीजिए, तो जो 22 साल को जितनी नॉलेज है मेरी नॉलेज भी तो उससे डबल होनी चाहिए। अगर मेरी नॉलेज, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी कम्युनिकेशन और भी वो सारी चीजें अगर मेरी बेटर हैं तो ऑब्वियसली मेरे को जॉब मिलेगी, जरूर मिलेगी मेरे को जॉब। ठीक है, तो अगर एज बढ़ रही है तो उस एज के साथ साथ अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कीजिए, जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं बाकी सवाल बच्चों के सवाल लूं, मेरी सबसे प्यारी स्टूडेंट है यहाँ पर निशा। हाँ जी निशा, कोई सवाल है आपका पूछना चाहती हैं आपको, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चन निशा? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। ठीक है, वेरी गुड, कोई भी क्वेश्चन हो जरूर पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ जी दीपांशु, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा ये सवाल है कि जो ऑनलाइन टेस्ट होगा हमारा तो उसका जो हमें स्टडी मटेरियल होगा कैसे मिलेगा? बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। ठीक है, बट एक बार दोबारा मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैंने आप लोगों से कहा कि आज ये फ्री कोर्स की पहली क्लास है। ठीक है, आप इसको फ्री मत समझिए, ये मत समझिए कि आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है। अगर कोई और इंस्टीट्यूट, जो चीजें हम आपको सिखा रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट पहली बात लाखों रुपए लेकर भी ये नहीं सिखा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें 1-1.5 लाख रुपए लोग खर्चने के बाद सीखते हैं। ठीक है, बट आप लोग फ्री में सीख रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं, अपने घर में बैठ के सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। ठीक है, जब आपकी 2 क्लासेस हो जाएंगी आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आप रजिस्टर करेंगे। जब आप उस लिंक पर रजिस्टर कर लेंगे और आप हमारे रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, आपका बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है, जिस ढंग से आप कम्युनिकेट करते हैं,
ठीक है, व्हाट्सएप करते हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, पूरा का पूरा पर्सनालिटी उससे समझ में आती है। तो उन लोगों को वर्चुअल क्लासरूम का लिंक मिलेगा, हम उसके अंदर आपको ऐड करेंगे। उस वर्चुअल क्लासरूम के अंदर आपके सारे नोट्स होंगे, जितने भी एग्जाम होंगे वो उस नोट्स के बेसिस पर ही होंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो हमने आपको ना पढ़ाई हो, तो आप बड़े आराम से उसमें पास हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना बच्चों ने 98 मार्क्स भी लिए हैं, नेगेटिव मार्किंग जरूर होती है। इसके अलावा बेसिक इंग्लिश का एग्जाम होगा, हम आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको कोई इंग्लिश की क्लासेस नहीं दे रहे हैं, इंग्लिश की बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो लोग भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं थोड़ी सी मेहनत करें, सीखें, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश सीखने के लिए आपका डिटर्मिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप किसी को 50,000 रुपए देके इंग्लिश सीखें, वो क्या करेगा, वो आपको पहले हिंदी बताएगा, फिर उसको इंग्लिश में सुनवाएगा, फिर उसका मतलब बताएगा, यही सब कुछ आप मूवीज के सबटाइटल्स पढ़कर, उसको हिंदी में देखकर, फिर इंग्लिश में देखकर, सारी ऑप्शंस आप लोगों के एप्स में अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो इंग्लिश से हिंदी में, पहले आपने हिंदी में मूवी देखी फिर आपने उसको इंग्लिश में देखा, इस ढंग से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है आपका। ठीक है, तो इंग्लिश हम आपको नहीं सिखाने वाले हैं, पर जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे, कि एक आपको पैराग्राफ दिया गया है उसमें से 5 क्वेश्चंस हैं उनका आप जवाब दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी बता देना चाहूंगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप की इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आप अपनी इंग्लिश अगर इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो अपनी पर्सनैलिटी और नॉलेज को इम्प्रूव करें और अपनी हिंदी को इम्प्रूव करें। हिंदी में जिस ढंग से हम अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं उसको हम इतने अच्छे से व्यक्त करें कि जो भी हमारे को सुन रहा है उसको अच्छा लगे। कितनी सारी इंडिया की रीजनल एयरलाइंस हैं जिन्हों को रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले लोग चाहिए हैं, ऐसी हमारे पास बांग्लादेश की हमारे पास एयरलाइंस हैं, जो हमारे पास कलकत्ता से कई स्टूडेंट हैं इस क्लास के अंदर अभी इस वक्त बैठे हुए हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल से कई स्टूडेंट्स हैं, तो बड़े आराम से आपकी बंगाली लैंग्वेज के बेसिस पर आपकी जॉब लग सकती है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पर लगेगी, जी हाँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपके पास ऑप्शंस कई ज्यादा हैं, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। ठीक है, आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ गुलनाज का। हाँ जी गुलनाज, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप। सर रजिस्ट्रेशन का लिंक व्हाट्सएप पे मिलेगा? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, आप लोगों को आज जो मैसेज आया है उसके ऊपर कोई लिंक नहीं था हमारे कोर्स कंटेंट का। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग thetourismschool.com की साइट पर जाकर कैबिन क्रू के बटन पर टैप पर क्लिक करके सारे रूल्स रेगुलेशंस कोर्स वगैरह देख सकते हैं, और जो हमारी वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं उनको देखना स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से कई बच्चे उनको देख भी चुके होंगे। रजिस्ट्रेशन का लिंक वहां पर नहीं दिया गया है। एक और क्लास होने के बाद रजिस्ट्रेशन का लिंक आपके पास व्हाट्सएप पर भी आएगा, जैसे कि आज आपके पास व्हाट्सएप आया है, और वही हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जो कैबिन क्रू का पेज है वहां पर भी उसका लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे। ठीक है, आज की क्लास खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को हमारा जो कैबिन क्रू का डेडिकेटेड पेज है उसका लिंक भी भेज दूंगा, वो भी आप लोगों को व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। अगर किसी को वेबसाइट पे जाकर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको भेज दूंगा और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब मैं सवाल लेने वाला हूं प्रदीप का। हाँ जी प्रदीप, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता था कि कोविड के बाद कैसी सिचुएशन होगी ट्रैवलिंग की। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि आपने कहा ना कि क्या वही का वही कोर्स है, तो आपका कोर्स इसलिए भी चेंज हुआ है, जब से कोविड आया है तब से कुछ ड्यूटीज एक्स्ट्रा हो गई हैं कैबिन क्रू की, एयर होस्टेस की, और जो एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं उन लोगों की।
जो आपकी ड्यूटीज एक्स्ट्रा हुई हैं उनको भी हमने इसके अंदर ऐड किया है, किस ढंग से टेस्ट किए जा रहे हैं, किस ढंग से उनकी रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, कौन कौन सी एप्स हैं जिनको अपडेट करना होता है, कैसे बोर्डिंग होती है, कैबिन क्रू बोर्डिंग कार्ड को कैसे चेक करेगा विदाउट टचिंग, तो ये सारी चीजें भी हम आपको सिखाने वाले हैं। इस बार भी देख लीजिए, इस वक्त थर्ड वेव चल रही है, पर आप लोग सब जानते हैं कि फ्लाइट्स फिर भी चल रही हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी गाड़ियां चल रही हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, फ्लाइट क्या है, वो भी तो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये कभी भी बंद नहीं होने वाला है, ये आप लोग भी समझ चुके हैं। चाहे थर्ड वेव है, इतनी स्ट्रांग तो है ही नहीं पहली बात, और एक तरह से खत्म हो रही है, पूरे यूरोप ने इसको डिसाइड कर लिया है, क्या कहते हैं, अनाउंस करने का कि ये एंडेमिक है, ये एक वायरल की तरह है, एक सिर्फ ये एक जुकाम की तरह है, तो इसकी वजह से ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, तो ट्रैवल पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना ही पड़ेगा। नौकरियां मिल रही हैं, जरूर मिलेंगी। कोविड आने से जो नए बच्चे हैं, जो अब कैबिन क्रू की जॉब लेना चाहते हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि एयरलाइंस जो उनके पास एक्सपेंसिव एम्प्लॉयज थे, जिनकी सैलरी 2-2 लाख रुपए हो चुकी थी, 3-3 लाख रुपए हो चुकी थी, उन्हें मौका मिल गया उन्हें निकालने का, अब वो सस्ते एम्प्लॉयज को हायर करना चाहते हैं। एक नुकसान जरूर हुआ है कि पहले अगर 50,000 सैलरी मिलती थी तो अब 30,000 सैलरी मिल रही है, बट जॉब ज्यादा हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था, उन्होंने खुद छोड़ दिया, उनको लगा एयरलाइन में हम क्यों काम करें, ठीक है। दूसरी चीज, अब एयरलाइन थोड़ा पैसा कम दे रही है, क्योंकि उनको लगता है कि कम लोग पैसों में ही जब लोग काम करने के लिए तैयार हैं, पर इसका फायदा यह है कि यंगस्टर्स के लिए ऑप्शन ज्यादा है। हमेशा से कैबिन क्रू के लिए मेडिकल फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, आप लोगों की जिस भी एयरलाइन के अंदर जॉब लगेगी, हर महीने आपका टेस्ट होने वाला है, हर कई एयरलाइंस हर फ्लाइट से पहले अपने कैबिन क्रू का टेस्ट कर रहे हैं, जो मास्क दिए जा रहे हैं, उन मास्क से आपकी बॉडी के अंदर वायरस जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। इसके अलावा पूरा का पूरा मेडिकल कवर है, भगवान ना करे अगर किसी को कोविड हो जाता है या हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो एयरलाइंस उसकी कंपनसेशन भी दे रही है, और उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा खर्चा दे रही है, पूरा ध्यान रख रही है। तो कोविड की वजह से ऑब्वियसली एयरलाइन के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एयरलाइन के अंदर जब आप एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहे होते हैं, जो उसकी एयर होती है, जो एनवायरनमेंट होता है, अगर उसके अंदर किसी ने वायरस, किसी ने छींका, अगर उसके अंदर वायरस आ गया, तो वो जो एयर है वो 10 मिनट तक सर्कुलेट होती रहती है। अगर वो एयर 10 मिनट तक सर्कुलेट हो रही है, तो कोई भी उसको इनहेल कर रहा है, तो उसको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। पर जो वैक्सीन की डोज मिल रही है, बूस्टर्स मिल रहे हैं कैबिन क्रू को, उसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी बेटर है। नॉर्मल इंसान को उतने बूस्टर्स या उतनी दवाइयां नहीं मिलेंगी, ये फ्रंट लाइन लोग हैं। कैबिन क्रू आप बन जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी टू सिक्योर, टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस और एनी अदर डिजीज विच इज कमिंग बाय फ्लाइट्स और बाय पीपल हु आर सिटिंग इन द फ्लाइट। तो आपको कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, बट हाँ सीरियसली लें, एयरलाइंस की रेगुलेशंस हैं कि मास्क पहनकर रहेंगे हमेशा, कैबिन क्रू क्या कहते हैं जिस जगह पर वो खाना खाते हैं उधर वहां पर सैनिटेशन के अलावा ऑक्सीजन सक्शन करके नई ऑक्सीजन लाई जाती है, उसके बाद वो अपने मास्क रिमूव करके खाना खा रहे हैं, सो दैट देयर इज नो चांस दैट दे आर इनहेलिंग एनी काइंड ऑफ इंफेक्शन विच इज देयर इन द एनवायरमेंट ऑफ द एयर, ठीक है। जॉब भी मिलेंगी, आप सेफ भी रहेंगे, 1% चांस या 10% चांस तो बीमार होने का हर तरह की जॉब में है। हम जो लोग एयरक्राफ्ट के अंदर ट्रैवल नहीं कर रहे उनको भी तो कोरोना वायरस हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रहा। सो आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब मैं आई थिंक आई विल बी टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ मोहम्मद इजहार। हाँ जी मोहम्मद इजहार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर बोले कि मतलब ऑफलाइन क्लास, मतलब जो पेड कोर्स है वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो पेड कोर्स है वो ऑफलाइन है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट के अंदर है, ठीक है। बट जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस दिए हैं कि अभी आप क्लासेस मत लीजिए, तो अभी थोड़े दिन के लिए इंस्टीट्यूट के अंदर क्लासेस नहीं हो रही हैं, पर जो ऑफलाइन कर रहे थे
उनको ऑनलाइन डेडिकेटेड क्लास दी जा रही है जिसके अंदर सिर्फ वही स्टूडेंट्स हैं और कोई स्टूडेंट उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो वो ऑफ, और जब वापस से नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन तो उनको इंस्टीट्यूट के अंदर जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो भी दिखाए जाएंगे, उनके ऊपर प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी और उनको थोड़ा सा उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। हाँ जी पूजा कुमारी, आपका सवाल रह गया तो प्लीज पूछ लीजिए। सर वन लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सर, सर ये बीएमआई इंडेक्स का सर जो प्रॉब्लम है ना सर, मैं थोड़ी सी अभी हेल्दी हूँ सर तो मुझे वेट लॉस भी करना है, तो आप थोड़ा सा बता देते। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, कई लड़कियां इस बारे में सोचती हैं, ठीक है। पहली बात तो बेटा आप जो है सच अ स्वीट बेबी गर्ल, आप इतने प्यारे बच्चे हो, सबसे पहले तो आप अपनी वेट के बारे में इतना मत सोचो, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि वेट कम होना चाहिए, कॉमनली आपका जो वेट है वो 54 kg या 56 kg तक होना चाहिए है, मैक्सिमम आपका वेट 60 kg तक हो सकता है अगर आपकी हाइट 5'8" है तो, ठीक है। आई बिलीव आपकी हाइट भी ठीक है, ओके। बट मैं आपको इतना बता दूं, आप जो चीजें सीख रहे हो और जो आप इंटरव्यू दोगे उस इंटरव्यू के बेसिस पर और आपकी नॉलेज के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको टाइम मिलेगा, यू विल गेट 6 months ऑफ टाइम। अगर आप इतने अच्छे से अपने इंटरव्यू के अंदर परफॉर्म करते हैं कि आपको एयरलाइन सेलेक्ट करती है तो वो आपको करीब 6 महीने का टाइम देंगे अपने फिजिकल चीजों को ठीक करने के लिए, ठीक है। बट ये मत सोचिए कि बीएमआई की वजह से मेडिकली आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, उस चीज को मत सोचिए, ठीक है। और मैं हमेशा से यही कहता हूं कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा जरूरी आपका कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड और नॉलेज है। आप इंटरव्यू के अंदर अगर कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, आप अमेरिका की कितनी एयरलाइंस हैं उनके कैबिन क्रू को देखिए, 90 kg वेट, ठीक है। एयर फ्रांस के कितने कैबिन क्रू हमने देखे हैं जिनों का वेट 100 kg से अबव, ठीक है, बट दे आर वेरी गुड इन देयर वर्क, ठीक है। कई लड़कियों को लगता है या कई लड़कों को लगता है कि उनकी हाइट उतनी अच्छी नहीं है, तो कितनी छोटी छोटी एयरलाइंस है, जो एयरलाइन एयरक्राफ्ट छोटा होता है उसकी हाइट कम होती है, जब उसकी हाइट कम होती है तो उनको वो लोग चाहिए हैं जिन्हों की हाइट कम है, ठीक है। इसीलिए 4'11" तक के हाइट के लोगों की भी आराम से जॉब लगती है। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं कश्यप। हाँ जी कश्यप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं या चाहती हैं? हाँ जी आप फिर से पूछो बेटा। सर अनम्यूट करो पहले अपने आप को, फिर पूछो। हाँ पूछो। एग्जाम टाइम मिलेगा हमें 1 घंटे का मिलेगा, 1.5 घंटे का मिलेगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। यूजली आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होता था पहले वो सिर्फ 30 मिनट्स का होता था, बट अब जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 1 आवर का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, उसकी 4 ऑप्शंस होंगी, 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप पिक कीजिए और आपके सवाल का जवाब दे दीजिए। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो जब आपको ऑप्शन दी जा रही है, अगर एक सवाल में आपका जवाब देके आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग के अंदर हर गलत जवाब के लिए आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसलिए रखी जाती है ताकि जो लोग क्या कहते हैं सिर्फ गेस वर्क कर रहे हैं वो लोग उसके अंदर पास ना हो, ठीक है। बाकी एग्जाम की आप लोग चिंता मत कीजिए, इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो हम इसके अंदर आपको नहीं पढ़ाएंगे, पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े से जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जनरल ट्रैवल, जनरल कैपिटल्स, आपको एक कैबिन क्रू आप बनने जा रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, कि हमारी वीडियो आने वाली है, ठीक है, जो कि आईटा के कोड्स के ऊपर है, आईटा की क्या कहते हैं एयरलाइन कोड्स कैपिटल्स के ऊपर है, 60 most important countries के कोड्स वगैरह उसके अंदर बताए जाएंगे, कैपिटल्स बताई जाएंगी, उसको आप लोग याद करिएगा, उसका PDF भी आपको उसके लिंक में मिलेगा, और आप चाहे फिर किसी भी एयरलाइन के इंटरव्यू में जाएं, आपको उसे पास करने में काफी हेल्प मिलेगी, ठीक
ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे, नौकरी बड़े आराम से लगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को कंक्लूड करूंगा, और आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। जब आप व्हाट्सएप करते हैं तो थोड़ा दिन वेट कीजिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। कई बार हम इंस्टेंटली जवाब दे देते हैं, कई बार हमारे को जवाब देने में टाइम लग जाता है, क्योंकि जितने भी ट्रेनर्स हैं टूरिज्म स्कूल के अंदर वो मल्टीपल क्लासेस ले रहे हैं। मैं भी काफी सारी क्लासेस देता हूँ, तो इसीलिए कई बार हम जवाब नहीं दे पाते हैं। कई बार बच्चे फोन करते हैं तो उस वक्त हमारी क्लास चल रही होती है, तो हम आपको जवाब नहीं दे पाते हैं। कीप लर्निंग एंड यू विल बी सक्सेसफुल। दिस इज आवर गारंटी। टेक केयर।